नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनुमान। आज फिर एक अलग दवाई जो रूटीन नहीं है। दवाई का नाम है नक्स मॉस्काटा। इसकी बड़ी बहन है जिसको हम बहुत यूज़ करते हैं, क्या नक्स वोमिका। वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड रूटीन दवाई है। दिन में आप 4-5 प्रिस्क्रिप्शन नक्स वोमिका के कर देते हैं, लेकिन नक्स मॉस्काटा इतनी फ्रीक्वेंटली यूजिंग नहीं है। तो क्या है नक्स मॉस्काटा, कब कब नक्स मॉस्काटा सोचना है, कौन कौन से इंडिकेशन है वो देखते हैं। फर्स्ट इंडिकेशन इज चिली, ठंड बर्दाश्त ना होना, ठंड से दिक्कत बढ़ जाना। अनदर इंडिकेशन इज थर्सलेसनेस, चिली भी है थर्सलेसनेस भी है। और थर्ड इंडिकेशन इज लेफ्ट साइडेड। अब जब आपको चिली, थर्सलेस और लेफ्ट साइडेड इंडिकेशन मिले तो दूसरी मेडिसिन के साथ साथ सेपिया है, वो भी चिली, थर्सलेस और लेफ्ट साइडेड ही है, तो उसके साथ साथ नक्स मॉस्काटा भी सोचिए। सेपिया के अंदर भी यही है, ड्राइनेस ऑफ ऑल पार्ट्स, तो नक्स मॉस्काटा के अंदर भी यही ड्राइनेस आता है। तो इस तरह से मेडिसिन पैरेलल चलते हैं, ये कॉमनालिटी है मेडिसिन में। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है। हमने कल भी बात किया कि होम्योपैथी का पूरा जिंदगी इसी में जाता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेडिसिन, हर जगह पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ द मेडिसिन। डल, डेज, ड्राउजी, कॉमेटोज एंड स्लीपी, इसका मतलब क्या होता है? डेज्ड, ड्राउजी, कॉमेटोज एंड स्लीपी, जो हाँ नींद में है, सुनमुन है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बेहोश होने की कगार पर है, ऐसा कुछ भी मिलता है तो वहां पे भी नक्स मॉस्काटा सोचा जाता है। कंफ्यूज्ड, उससे पहले का ये स्टेज होता है ना, कंफ्यूज्ड, पहले कंफ्यूज होता है, उसके बाद डल होता है, फिर ड्राउजी होएगा, फिर स्लीपी होएगा और कॉमेटोज हो जाएगा। तो कंफ्यूज मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ये करूं वो करूं, क्या बोला, आप बुलाएंगे तो समझ ही नहीं पाएगा कि मुझे बुला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हैं, हाँ, हाँ, इस तरह के रिएक्शन आपको मिलेंगे। तो वहां पे भी नक्स मॉस्काटा सोचना है। ड्राउजीनेस ओवरपावरिंग इन ऑलमोस्ट एवरी कंडीशन, कहीं पे भी अगर ड्राउजीनेस मिले, दूसरा चिली मिले, थर्सलेस मिले और लेफ्ट साइडेड मिले, तो पूरा नक्स मॉस्काटा इन्हीं के अंदर आ जाता है। पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो, चाहे अमेनोरिया हो, डिसमेनोरिया हो, मेट्रोरेजिया हो, स्टोन हो, कार्सिनोमा हो, पोराइजा हो, कफ हो या महामारी हो। चिलीनेस, वर्स फ्रॉम कोल्ड वेदर एंड विंडी वेदर। ड्राइनेस, माउथ, टंग, स्टिक टू पैलेट, आईज टू क्लोज लीड, स्किन कूल एंड ड्राई, वॉन्ट्स ऑफ स्वेट, स्वेट बहुत कम है। आपके पास मरीज आया है, आपने देखा कि स्कोर है और स्कोर में लेफ्ट साइडेड इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, थर्सलेस है, मुंह पूरा सूख गया है, फिर भी उसको पानी पीने का इच्छा नहीं हो रहा है, लेफ्ट साइडेड स्कोर ज़्यादा है और ठंड के साथ बुखार आता है, तो आपका मेडिसिन नक्स मॉस्काटा सोचा जा सकता है। यस, कैम्फोरा में भी आ सकता है, कैम्फोरा है, सेपिया है, तो ये सब आएंगे, लेकिन उनके साथ साथ नक्स मॉस्काटा सोचना है। तभी फिर उसको डिफरेंशिएट करना है, उनमें से 3-4 मेडिसिन मिलेंगी, उनमें से जो भी इंडिकेटेड है वो दीजिए। थर्सलेस, इन स्पाइट ऑफ ड्राइनेस ऑफ द माउथ, पूरा मुंह सूखा सूखा है फिर भी प्यास नहीं लगती। फेंट्स इजीली ऑन प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, aggravation stool and menses, so every discharge aggravates, loss of vital fluid aggravates, क्यों? thusless है, thusless है, नया fluid तो जा नहीं रहा है, जो भी निकलेगा, जो fluid निकल गया तो शरीर के अंदर क्या होएगा? dehydration होएगा, fluid loss के साथ energy loss होता है, तो energy कम हो जाएगा, तो faint हो जाएगा। दूसरा medicine camphora और sepia, उनके अंदर भी easily fainting है। तो अब हम अभी जो 15 मेडिसिन का चार्ट बनाए हैं उसके अंदर तो कैम्फोरा और सेपिया है, नक्स वोमिका नहीं है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होएगा कि कैम्फोरा और सेपिया देने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इंडिकेशन तो स्ट्रांग हैं, तो एक बार वहाँ पे नक्स मॉस्काटा भी सोचा जाना चाहिए। लाफ एंड क्राइस बाय टर्न्स, हिस्टेरिकल कन्वर्जन एंड मोशन, हिस्टेरिकल कन्वर्जन ज़्यादातर नई नई शादी हुई दुल्हनों के अंदर इस तरह की दिक्कत होती है, क्यों?
मेरा हस्बैंड मेरे को कितना प्यार करता है ये देखने के लिए, या तो सडनली चेंजेस होता है एक घर से दूसरे घर की और दूसरा वातावरण वहाँ पे सेट नहीं हो पाते हैं तो हिस्टेरिया होता है। हिस्टेरिया वन टाइप ऑफ बीमारी ही है, वो मेंटल बीमारी है, एक कंडीशन है, तो उसको भी ट्रीट किया जा सकता है विथ होम्योपैथी। स्लीपी एज इफ इंटॉक्सिकेटेड, कोमा लाइज साइलेंट इमोवेबल एंड आइज क्लोज। अब आपको बुलाया गया है विजिट के लिए जिसमें लेफ्ट साइडेड इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, पेशेंट एकदम फेंट हो चुका है, कोमेटोज कंडीशन है, जगाते हैं तो भी ड्राउजी है, कुछ आंसर नहीं दे रहा है, लेकिन आपने देखा तो उसकी स्किन एकदम कोल्ड और ड्राई है। पानी कितना पीते हैं? नहीं पीते हैं डॉक्टर साहब, पेशाब करने को उठते हैं फिर भी गिर जाते हैं। अभी अभी ऐसे बहुत सिम्टम मिल रहे हैं, पेशाब करने के बाद बहुत अशक्ति आ जाती है, टॉयलेट जाने के बाद बहुत वीकनेस आ जाती है, पोस्ट कंडीशन, अभी जो महामारी चल रहा है उसका पोस्ट कंडीशन, उसके बाद ऐसी कंडीशनें मिलती हैं तो उनके अंदर नक्स मॉस्काटा सोचा जा सकता है। होम्योपैथी कैन ट्रीट एनी डिसीज एनी कंडीशन, जहाँ पे दूसरे किसी पैथी का स्कोप हो या ना हो हमें मालूम नहीं है, लेकिन होम्योपैथी का तो है। लेकिन उस तरह से हमारे दिमाग के अंदर सोचने को आना चाहिए ना, हम नक्स मॉस्काटा फीमेल रेमेडी है इसमें क्या? नहीं रे नहीं, ऐसा मत सोचो, कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, इंडिकेशन मिलने चाहिए। अब आपको इन पोस्ट केसेस के अंदर कौन सा मेडिसिन देंगे? हर बार वीकनेस का मतलब आर्सेनिक, हर बार वीकनेस लेके आर्सेनिक देना है? अगर वीकनेस मिला, ड्राइनेस मिला, ड्राउजीनेस मिला, वीकनेस स्पेशली आफ्टर स्टूल मेंसिस और यूरिन मिला, लेफ्ट साइडेडनेस मिला, थसलेस मिला और चीली मिला, तो नक्स मॉस्काटा सोचना है वहां, पता चल रहा है? लेकिन हम लोग नहीं सोचेंगे क्योंकि हमें नक्स मॉस्काटा पढ़ा ही ऐसे है कि इट इज शॉर्ट फीमेल रेमेडी, ल्यूकोरिया डाउन टू गस टू हील, ऐसा कुछ आता है ना, क्या आता है, एल्यूमिना, तो इट इज फीमेल रेमेडी। हर कोई रेमेडी मेल नहीं होता है, कोई रेमेडी फीमेल नहीं होता है, कोई रेमेडी चिल्ड्रन नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कि वो रेमेडी उन केसेस के अंदर ज्यादा प्रयोग होता हो, लेकिन ज्यादा प्रयोग होता है मगर दूसरों में भी कम तो होता ही है। ड्रीमी क्लेरोयंट स्टेट, ड्राउजी ड्रीमी डेज्ड, ऑब्जेक्ट सीम्स टू एज टू ग्रो लार्जर, ड्राउजी है उसको सब कुछ बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है, तो स्पेशली ऐसे कंडीशन लास्ट स्टेज ऑफ डिसीजेस के अंदर भी मिलते हैं हमें। जब अभी तो वैसे डिसीजेस कम, वैसे कंडीशन कम हो जा रहे हैं क्योंकि लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, पुराने जमाने की बात है जब लोग हॉस्पिटलाइज नहीं होते थे, हॉस्पिटलों की इतनी सुविधा नहीं थी तो घर पे ही रहते थे और बोलते थे कि लास्ट स्टेज में ऐसा सब कुछ होता है, यम दिखाई दे देते हैं, तो यमराज आ रहे हैं अपने भैंसे पे बैठे हुए हैं, ऐसा दिखाई देता है सब कुछ, या परियां आ रही हैं, भगवान के दूत आ रहे हैं, ऐसा सब कुछ दिखाई देता है, तो इट कैन बी ड्रीम। और उनको क्या दिखाई देता है? जो है उससे ज़्यादा दिखाई देता है, स्लो आइडेंटेशन, थॉट सडनली वैनिश्ड। अगर ऐसे केसेस आपको मिलते हैं, और कब मिलेंगे? जब आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, हमने आज दोपहर को भी आपको बताया, और वो पूछेंगे यार मेरे दादा को ऐसा है, तुम्हारी होम्योपैथी में कुछ दवाई आती है? ओ आती है, हमें ना कहना ही नहीं है, जाइए केस लीजिए, मगर ऐसे भी इंडिकेशन है वो आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो हर बार आप चिली थस्टी थसलेस करेंगे तो उन्हीं मेडिसिन के ऊपर आएंगे जो आपके लिए नॉन है, उतना ही होम्योपैथी नहीं है। हमने पहले आपको यही कहा था कि 25 दवा आ जाए मतलब होम्योपैथी आ गया, और अब हम ही आपको कह रहे हैं कि होम्योपैथी सिर्फ उतना ही नहीं है, उससे भी बहुत आगे है, वो आपको शुरू करने के लिए था, अब ये जर्नी है। यूजिस रॉन्ग वर्ड, ब्रेन एग्जॉस्टेशन, थक जाना, मेंटली फिजिकली हर तरीके से थक जाना, गलत शब्दों का प्रयोग कर देना, मतलब मुझे फिर याद नहीं आता है क्यों, कंफ्यूज है, ड्राउजी है, तो कुछ भी बोल देते हैं। थॉट वैनिश्ड वाइल टॉकिंग रीडिंग और राइटिंग, फ्लैटुलेंट कोलिक, इमोरस डिस्ट्रेशन आफ्टर ईटिंग, पेट के अंदर गैस भर जाना, बहुत दुखना,
स्पेशली आफ्टर ईटिंग। सो हर बार कोलोसिंथ दे देना है कोली की पेन देख के, नहीं ना, कभी कभार नक्स मोस्काटा भी सोचना है। ऑल फूड टर्न्स इनटू विंड, दूसरे किसी किस मेडिसिन में आता है? यस वेरी गुड, कार्बोवेज, अर्जेंटम नाइट्रिकम, जो भी खाता हूं ना डॉक्टर साहब गैस बन जाता है। फटीग, मस्ट लाई डाउन आफ्टर मस्ट एक्सर्शन, तो अभी क्या होता है जो पोस्ट केसेस हैं, थोड़ा सा भी काम करूं थक जाता हूं, बैठ जाना पड़ता है। थिक डार्क इरेग्युलर मेंसिस, मेंसिस कैसा है? थिक डार्क इरेग्युलर और लेफ्ट साइडेड ओवेरियन सिस्ट मिला, चिली है, थसलेस है और ड्राइनेस ऑफ वजाइना मिल रहा है, तो आपका मेडिसिन नक्स मोस्काटा। फ्लेटस फ्रॉम वजाइना, ल्यूकोरिया रिप्लेसिस मेंसिस, एक केस था ऐसा, मेंसिस नहीं आता है, सिर्फ ल्यूकोरिया ही आता है, वाइट डिस्चार्ज होता है मेंसिस की जगह, और हमने उस केस के अंदर नक्स मोस्काटा प्रिस्क्राइब किए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। एट मेंस्ट्रुअल निशस माउथ थ्रोट एंड टंग बिकम्स इनटॉलरेबली ड्राई, स्पेशली व्हेन स्लीपिंग, ड्यूरिंग मेंसिस सब कुछ ड्राई हो जाता है, मतलब ड्यूरिंग मेंसिस एग्रावेशन होएगा। ड्राई क्यों होएगा? एक तो पानी कम पीता है और ब्लड का डिस्चार्ज होता है तो बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो जाएगा, इसलिए ड्राइनेस हो जाएगा। ड्यूरिंग डायरिया भी ड्राई मिल सकता है, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो ड्यूरिंग यूरिनेशन भी ड्राइनेस उसको रिप्रेजेंट हो सकता है। अब डायबिटीज के कौन से सिम्टम हैं? मुंह सूख जाना, पेशाब बार बार जाना, थकावट महसूस होना, पेशाब करने के बाद थक जाना और ड्राउजी रहना। नक्स मोस्काटा कैन बी मेडिसिन फॉर दैट कंडीशन ऑल्सो, मगर हम नहीं सोचते हैं फीमेल रेमेडी है, ऐसा नहीं होता है। वहां पे भी नक्स मोस्काटा अगर दूसरे दो तीन चार इंडिकेशन मिलते हैं तो सोचा जा सकता है। माइंड बिविल्डरेटेड एज इफ ड्रीम्स, मतलब जो भी हकीकत है वो देख के हक्का बक्का रह जाना, चाहे वो ड्रीम में है उसी तरह से। पुरानी हिंदी फिल्म में देखते हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे हूँ, वे जो कंडीशन आता है ना वो। चेंजेबल, लाफिंग क्राइंग बाय टर्न, चेंजेबल है, थोड़ी देर में हंसेगा, थोड़ी देर में रोएगा, थोड़ी देर में सैड हो जाएगा। कन्फ्यूज, डेज्ड, इम्पेयर्ड मेमोरी, अब मेरे दादा हैं हमको पहचानते भी नहीं। ओल्ड एज, लास्ट स्टेज ऑफ डिसीज, अब लोगों को मालूमत हो जाता है कि अब इनके लिए डेथ नजदीक है, उन टाइप ऑफ कंडीशन के अंदर भी नक्स मोस्काटा सोचा जा सकता है। थिंक सी हैज टू हेड, स्टूपर, इनसेंसिटिबिलिटी, अनक्वेंचेबल स्लीप, पूरा दिन सोते ही रहना, अगर अनक्वेंचेबल स्लीप है, रेस्पिरेटरी ट्रबल है और एप्पल डिजायर है तो दूसरा मेडिसिन इज एंटिमटाट। और अगर ड्राइनेस है, एंटिमटाट में बहुत म्यूकस है जो रेटलिंग साउंड देता है, लेकिन अगर ड्राइनेस है तो वहां पे नक्स मोस्काटा सोचा जा सकता है। कॉन्शियस ऑफ सेल्फ वॉचिंग हिज अदर सेल्फ, फियर सी विल अबॉर्ट, अबॉर्शन का फियर रहना, अबॉर्शन हो जाना, पहले अबॉर्शन होना, कोई भी इंडिकेशन मिलता है तो नक्स मोस्काटा सोचा जा सकता है। कॉजेशन, लिविंग इन द डैम प्लेस, सूरत में रहना, मांडवी में रहना, सीसो के आजू बाजू रहना, नदी किनारे के ऊपर रहना, या तो बेसमेंट के अंदर रहना, ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे भेज वाला वातावरण है। वो मरीज आपको बोलेगा नहीं, उसके एड्रेस पे से आपको मालूम होना चाहिए, तो वहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम डैम्प वेदर लिया जा सकता है। हिस्टेरिकल टेम्परामेंट, उसको हिस्टेरिया का पहले से टेम्परामेंट है तो इट्सेल्फ इंडिकेशन। एग्रावेशन इन कोल्ड डैम्प वेट वाइंडली वेदर, गेटिंग वेट कोल्ड फूड और वाटर आफ्टर ईटिंग, ब्लोटिंग एंड कैरेज राइडिंग। सो कोई पेशेंट है जिसको गाड़ी में बैठने से, कार में बैठने से वॉमिटिंग हो जाती है और वो डैम्प वेदर में बहुत रहता है, ड्राइनेस मिलता है, तो वहाँ पे भी नक्स वॉमी का सोचना है। अगर कोई मरीज आता है, डॉक्टर साहब पूरे पेट में गैस हो जाता है, जो खाता हूँ वो गैस हो जाता है और कोल्ड डैम्प वेदर में बहुत ज़्यादा होता है, नहाने के बाद भी बहुत ज़्यादा गैस होता है, ड्राइनेस मिल रहा है, स्टूपर मिल रहा है, तो वहाँ पे भी नक्स मोस्काटा सोचा जाना चाहिए।
after eating, bloating, carriage riding, lying on painful side, during pregnancy or during menses का कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पे भी nux muscata सोचा जाना चाहिए। तो ये छोटा सा ही ड्रग है, मगर अभी अभी की कंडीशन से लेके लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ तक सारे कंडीशन के अंदर जब जब nux muscata के इंडिकेशन मिले nux muscata सोचा जाना चाहिए, प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। हमने भी अभी तक 5-7 केसेस के अंदर ही प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि गुरुकुल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सब लोग तो सीखेंगे लेकिन हम भी सीखते हैं। सो धन्यवाद, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।